हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स और इक्विवेलेंट सोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था, और साथ में टाइप्स ऑफ सोर्सेस और एक सॉल्व न्यूमेरिकल भी देखा था। तो इस क्लास में हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वो ये है, रेड्यूस द नेटवर्क इन द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल्स। तो यहाँ जो ए एंड बी टर्मिनल्स दिए हुए हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालना है इस गिवन नेटवर्क के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दो करंट सोर्सेज दिए हुए हैं। एक करंट सोर्स 1 एम्पियर का है और दूसरा करंट सोर्स 5 एम्पियर का है। तो अगर इस वाले नोड पे, इसको नोड नंबर 1 मान लेते हैं, इस नोड पे हम लोग केसीएल लगाते हैं, बाय केसीएल एट नोड 1। अब देखिए ये 1 एम्पियर करंट जो है नोड की तरफ आ रहा है और 5 एम्पियर करंट नोड से दूर जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट करंट वो क्या होगा, 1 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर होगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा -4 एम्पियर। तो -4 एम्पियर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में, इस तरह से उसका जो एरो हेड का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा, मतलब अवे फ्रॉम द नोड होगा। तो ये दोनों करंट सोर्स 4 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 वोल्टेज सोर्सेस दिए हैं जिसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर एक 4 वोल्ट का सोर्स है, उसके साथ 2 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ 6 वोल्ट का सोर्स है, उसके साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज में। और यहाँ पे 2 वोल्ट का सोर्स है जिसके साथ सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट करेंट सोर्सेस विद पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो जो भी इक्विवेलेंट करंट सोर्स होगा उसका करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ से ये वोल्टेज कितना दिया है, 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 4/2 करेंगे तो हम लोग को 2 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है विद सीरीज रेजिस्टेंस रिप्लेस हो जाएगा करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर विद पैरलर 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। वैसे ही ये दोनों को ले लेते हैं हम लोग। इसके लिए अगर हम लोग करंट निकालेंगे करंट सोर्स का तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ भी हम लोग को 2 एम्पियर मिलेगा। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है विथ सीरीज 3 ओम रेजिस्टेंस रिप्लेस हो जाएगा करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर पैरलर 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हम लोग ले लेते हैं ये वाला वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस। तो इसके लिए अगर हम लोग करंट निकालेंगे करंट सोर्स का I इज इक्वल टू वी बाई आर करके, तो V यहाँ पे कितना दिया है, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 1 एम्पियर आ जाएगा। तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स विथ पैरेलल 2 ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका पोलैरिटी अपोजिट है, मतलब माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है। तो जो भी करंट सोर्स है ये रिप्लेस होगा, उस करंट सोर्स का जो एरो ऐड होगा वो नीचे की तरफ होगा। और ये सब जो वोल्टेजेस दिए हुए हैं 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, इनका जो पॉजिटिव साइन है ऊपर साइड है और नेगेटिव नीचे है, मतलब जो करंट सोर्स का एरो हेड होगा ऊपर साइड में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वोल्टेज सोर्सेज रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ करंट सोर्स को देखिए, ये नीचे की तरफ रिप्रेजेंटेड है। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर साइड में ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। अगर इस नोड को हम लोग नोड नंबर 1 ले लेते हैं और यहाँ पे केसीएल लगाते हैं, बाय केसीएल एट नोड 1 क्या होगा, ये 2 एम्पियर जो है नोड की तरफ आ रहा है तो +2 एम्पियर हो जाएगा और ये 4 एम्पियर नोड से दूर जा रहा है तो -4 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, -2 एम्पियर का करंट सोर्स मिलेगा। तो क्योंकि ये -2 एम्पियर मिल रहा है तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा एरो हेड का नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पे देखिए इस सर्किट में नीचे साइड में 2 करंट सोर्सेस लगे हुए हैं, एक 2 एम्पियर का और एक 1 एम्पियर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नोड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये इसको नोड नंबर 2 ले लेते हैं, बाय केसीएल एट नोड 2। तो यहाँ पे नोड 2 की तरफ जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर है तो +2 एम्पियर होगा और ये 1 एम्पियर नोड से दूर जा रहा है
तो माइनस वन एम्पियर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो करंट सोर्स होगा वो वन एम्पियर का आएगा, क्योंकि ये प्लस वन एम्पियर आ रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस तरह से होगा, एरो हेड ऊपर की तरफ होगा। तो ये सर्किट इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, देखिए ये वन एम्पियर का करंट सोर्स, ये टू एम्पियर का करंट सोर्स नीचे डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये पैरलर में है। इन पैरलर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 × 3 / 2 + 3, तो 6/5 ओम आएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और 3 ओम पैरलर कॉम्बिनेशन, 6/5 ओम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम भी पैरलर कॉम्बिनेशन में है, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 × 2 / 2 + 2, तो कितना मिलेगा 4/4, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों पैरलर रेजिस्टेंसेस से, पैरलर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। जब हम लोग ये पैरलर रेजिस्टेंसेस और ये पैरलर रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर देते हैं उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस से, तो सर्किट इस तरह से बनेगा। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे 6/5 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, ये भी पैरलर में है एक दूसरे के, तो अगर इनके पैरलर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 6 × 6/5 / 6 + 6/5, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 36/5 और यहाँ से फिर मिल जाएगा 36/5, तो ये कट जाएगा और 1 ओम मिल जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस का पैरलर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम, ठीक है। तो ये सर्किट अब इस तरह से दिखेगा। अब देखिए ये 1 ओम रेजिस्टेंस और ये 2 एम्पियर करेंट सोर्स जो है पैरलर में है, और ये 1 एम्पियर करेंट सोर्स के साथ ये 1 ओम रेजिस्टेंस पैरलर में है, मतलब हम लोग इन दोनों करेंट सोर्सेस को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इस करेंट सोर्स और इस पैरलर रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, तो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, V = I × R, ठीक है। करेंट कितना है 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो ये 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा विथ सीरीज 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो करेंट सोर्स है उसका जो एरो हेड है नीचे डायरेक्शन में शो कर रहा है, मतलब जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे, एरो हेड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 एम्पियर का करंट सोर्स विथ पैरलर 1 ओम रेजिस्टेंस, तो इसके लिए अगर हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं V = I × R करके, तो करंट जो है 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, तो 1 वोल्ट का सोर्स से रिप्लेस होगा विथ सीरीज 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। अब ये जो करंट सोर्स है इसका एरो हेड ऊपर की तरफ है, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसका पोलैरिटी ऐसा होगा प्लस ऊपर माइनस नीचे, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं वोल्टेज सोर्सेस से, तो इस तरह से दिखेगा। तो ये 1 वोल्ट है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये 2 वोल्ट है उसके सीरीज में 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो क्योंकि करंट सोर्स का एरो हेड नीचे की तरफ था तो ये माइनस प्लस पोलैरिटी में आएगा, ठीक है। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम + 1 ओम 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जब आपको नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स बताया था उस समय बताया था कि जब भी दो वोल्टेजेस अगर सीरीज में लगे हैं और उनका पोलैरिटी अपोजिट में है तो उन लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग केवीएल से भी निकाल सकते हैं। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 रेफरेंस पॉइंट है, 2 रेफरेंस पॉइंट है, तो 2 को मान के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस 1 वोल्ट आया, फिर यहाँ पे क्या है 2 वोल्ट के माइनस है, तो -2 वोल्ट आया, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, -1 वोल्ट मिलेगा। तो जब हम लोग इस -1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पोलैरिटी इस तरह से बनेगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो 1 वोल्ट का सोर्स आ रहा है ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये -1 वोल्ट आया है, ठीक है। अब ये सर्किट को हम लोग रिप्लेस करेंगे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स विथ ए सिंगल रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट, तो ये इस तरह से रिप्लेस होगा, देखिए, ठीक है। इस 1 वोल्ट के सोर्स का पोलैरिटी माइनस ऊपर में है और प्लस नीचे में है, तो अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल्स हम लोगों ने पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया है विद सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो वो फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।